खरगोन में अतिक्रमण हटाने के लिए सरपंच से मारपीट की गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए महिला सरपंच से मारपीट हुई है। 5 लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है और पुलिस की मौजूदगी में विवाद हुआ है। सरपंच का जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब लगातार उठ रही है। तो सरपंच अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पर गई हुई थी, लेकिन 5 लोगों ने उन्हें जमकर पीट दिया, मारपीट हुई उनके साथ, और फिलहाल महिला सरपंच का इलाज जो है वो जिला अस्पताल में जारी है। तो एक अहम अपडेट आपको खरगोन से बता दें, अतिक्रमण हटाने के लिए जब प्रशासन के साथ महिला सरपंच गई थी तो लोगों ने महिला सरपंच के साथ ही मारपीट कर दी है। शशिकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शशिकांत, क्या हुआ था बताएं वहां पर। चलिए शशिकांत से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको खरगोन की तस्वीरों की पीछे की कहानी बता दें। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम के साथ सरपंच भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इनका अतिक्रमण हटाना था, उन्होंने सरपंच से मारपीट कर दी है। 5 लोगों पर हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन महिला सरपंच का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, उन्हें चोट आई है। एएसपी ने टीआई को कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। बरूड़ ग्राम पंचायत का यह मामला है, खरगोन का यह पूरा मामला। शशिकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, क्या हुआ था बताएं तफसील से। जी मैं बता दूं, खरगोन जिले की टांडा बरूर ग्राम पंचायत में महिला सरपंच रोशनी बाई पुलिस बल के साथ में जब अतिक्रमण हटाने गई थी, इस दौरान अतिक्रमणकारी सुभाष कुमरावत और उसके परिवार जनों ने जो है महिला सरपंच के साथ जमकर मारपीट की। यहां तक कि महिलाओं के साथ साथ में पुरुषों ने भी मारपीट की, और यह घटना जो है मौके पर मौजूद टीआई और पुलिस बल की मौजूदगी में यह घटना हुई। इस दौरान जो है ग्रामीणों द्वारा बीच बचाव कर महिला को बड़ी मुश्किल से इसमें अतिक्रमणकर्ताओं से छुड़ाया गया। महिला सरपंच रोशनी बाई जो है गांव की सरपंच है, और उसको शिकायत मिली थी कि ये एक सुभाष कुमरावत जो है व्यक्ति द्वारा यहां पर सार्वजनिक जमीन पर गली में अतिक्रमण कर लिया था, जिसके बाद में आज मैं पुलिस फोर्स के साथ में महिला सरपंच जब अतिक्रमण हटाने गई तो उसके साथ में इस तरह की जो है घटना घटित हुई। इसके बाद में ग्रामीणों में आक्रोश था, और जिसके बाद में देर शाम को वो एसपी ऑफिस पहुंचे, और एसपी ऑफिस में एडिशनल एसपी से उन्होंने जो है तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल जो है महिला सरपंच का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरुण सिंह बघेल द्वारा जो है तत्काल तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि जब मारपीट हो रही है तो पुलिस वहां पर मौजूद है, तो पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। घटना के तत्काल बाद जो है महिला सरपंच अपने ग्रामीणों और परिजनों और पति के साथ में यहां पर तत्काल एसपी ऑफिस पहुंची, और तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है यहां पर पहुंची थी, और उसके बाद में अभी जिला अस्पताल में महिला सरपंच का उपचार किया जा रहा है। लेकिन यह घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर पुलिस बल की मौजूदगी में महिला सरपंच के साथ। शशिकांत, आप नजर बना करके इस खबर पर, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।